पश्चिम बंगाल से सामने आई बेहद शर्मनाक खबर। इंसान तो इंसान, अब जानवर भी हो रहा ऐसे हैवानों का शिकार। गर्भवती गाय के साथ युवक ने किया रेप, रेप के बाद चली गई बेजुबान की जान। नमस्कार, सनातन टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। पश्चिम बंगाल में जानवर से क्रूरता का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। 29 साल के शख्स को बुधवार को एक गर्भवती गाय के साथ रेप करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। घटना दक्षिण 24 परगना जिले के नामखाना प्रखंड की है। उत्तरी चंदनपीढ़ी इलाके में गाय के साथ अश्लील और गंदी हरकत करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान प्रद्युत भुइया के रूप में हुई है। आरोपी को गर्भवती गाय के मालिक द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर हिरासत में लिया गया है। स्थानीय पुलिस सूत्रों के अनुसार उत्तरी चंदनपीढ़ी की रहने वाली आरती भुइया और उनके परिवार ने शिकायत की थी कि कुछ दिन पहले उनके पड़ोसी प्रद्युत घर के पीछे गौशाला में घुसा और उनकी एक गाय के साथ बर्बरता पूर्वक बलात्कार किया। शिकायतकर्ता आरती ने कहा, आधी रात के आसपास बलात्कार के बाद अत्यधिक खून बहने के कारण गाय की मौत हो गई। आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 377 के तहत मामला दर्ज किया गया था। उसे मंगलवार को काकद्वीप अनुमंडल कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आरोपी की इस हरकत से पूरे गांव में उसके खिलाफ आक्रोश है। चंदनपीढ़ी गांव के एक निवासी ने कहा, लड़के को उसके अमानवीय कृत्य के लिए कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बता दें कि आरोपी प्रद्युत इससे पहले खेतों से बकरियां, वाहन, सब्जियां चुराने जैसे गैर कानूनी काम भी कर चुका है। वह इस घटना को लेकर टीएमसी के ब्लॉक अध्यक्ष ने कहा, ये एक शर्मनाक घटना है, प्रद्युत शराबी है। उन्होंने त्वरित कार्रवाई करने और आरोपी को पकड़ने के लिए स्थानीय पुलिस की सराहना की है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस तरह की घटिया और शर्मनाक हरकत करने वाले दरिंदे को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में आप अपना कीमती सुझाव जरूर दें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।